हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर, ईमेल राइटिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग चैप्टर ऑफ ग्रामर। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, ईमेल राइटिंग। ऑप्शन विल बी गिवन, लेटर राइटिंग। इन ऑप्शन ऑफ लेटर राइटिंग यू हैव टू राइट ईमेल राइटिंग। So it's a very easy if you understand it. So I will make it very easy for you. So keep attention here. I have given some format. So how to write email. So friends, first off, why do we write email? हम email क्यों लिखते हैं? आपको मालूम है दोस्तों, पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे, लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग बहुत टाइम हमारा मतलब वेस्ट होता है, इसलिए हमने ये जो अभी की जो नए ये जो ज़माने में साइंस के नई खोज के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल करते हैं। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल एक साथ एक से ज़्यादा लोगों को हम भेज सकते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और दूसरा, खास करके एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ में भेज सकते हैं, समय बचता है हमारा और हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम होता है, मतलब कॉस्ट भी नहीं होता। और ये तो जो लेटर लिखते हैं तो इसमें आपको लिफाफा लाना होता है, उसको लिखना पड़ता है, उसका कॉस्ट होता है, उसको टिकट लगाना पड़ता है, स्टैम्प करना होता है। तो ये सब नहीं करना, इसलिए हमको ये ईमेल राइटिंग मतलब ईमेल लिखना है। तो ईमेल में हमको इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स में क्या ज़रूरी है? हमारे पास इंटरनेट और सामने वाले के पास इंटरनेट ज़रूरी है। और एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जैसे लेटर में हमको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वी हैव टू नीड ईमेल आईडी ऑफ अ ईमेल रिसीवर, जो रिसीव करता है उसका हमको क्या चाहिए, ईमेल आईडी। तो ये बहुत इजी तरीका है, समय बचाता है। दोस्तों, दो प्रकार के ईमेल होते हैं, एक तो फॉर्मल ईमेल और दूसरे इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल। तो फॉर्मल ईमेल में हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, या कोई स्कूल के बड़े ट्रस्टी प्रिंसिपल को, या कोई कंपनी के मैनेजर को, या कोई हम कोई कंप्लेंट के बारे में या कोई रिक्वेस्ट के बारे में हम कुछ ईमेल लिखते हैं, लेटर, उसको बोलते हैं फॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल में दोस्तों, हम हमारे टीचर्स है मतलब लीव नोट लिखते हैं, हमारी मदर फादर या हमारे फ्रेंड्स या हमारे सिस्टर या रिलेटिव्स को जो हम लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ईमेल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईमेल। तो दो प्रकार के ईमेल मैंने बताया, जैसे कि फॉर्मल, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था को लिखते हैं जिसमें हमको कुछ कंप्लेंट के बारे में लिखते हैं, तो ऐसे खास करके हमारे इंग्लिश मीडियम में पूछा जाते हैं। और दूसरे इनफॉर्मल, जो हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं, ऐसे जो ईमेल है तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ईमेल। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हम पहले देखते हैं फॉर्मल। दोस्तों, तो फॉर्मल में हमने आपको बताया कि इसमें हम कोई ऑफिसर को लिखते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रिंसिपल और वे सबको लिखते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल ईमेल। तो हम फॉर्मेट देखते हैं दोस्तों। तो पहले, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ यू हैव टू राइट फॉर्म। फॉर्म लिखना है, फॉर्म कहाँ से, मतलब जो सेंडर है, भेजने वाले, मतलब आप भेज रहे हैं, तो आपका ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस बनाना है। तो पहले तो आपको ईमेल एड्रेस कैसे बनाना वो भी सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना नहीं है। ईमेल आईडी में आपका नाम या आपकी कोई बर्थ डेट के दो लेटर, और आपका नाम और आपकी सरनेम, और कोई भी आप लेटर लिख के आप ईमेल आईडी बना सकते हो। और
उसमें कोई स्पेस होनी चाहिए नहीं। ईमेल आईडी बनाओ तब क्या खास ध्यान रखना कि इसमें स्पेस छोड़ना नहीं है। तो ईमेल आईडी अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दिया तो आपको खुद को बना देने का, आपका नाम, आपकी जन्म तारीख मतलब डेट बर्थ ऑफ डेट, देन आपका अगर जीमेल लिखते तो .gmail.yahoo ऐसे आप ईमेल आईडी बना सकते हो। बाद में टू मतलब जो जिसको आप भेज रहे हो रिसीवर, ईमेल एड्रेस ऑफ रिसीवर के ईमेल आईडी लिखना है, और उसके बाद में डेट। तो दोस्तों डेट में क्या है कि आप जानते हो कि हम जो रियल ईमेल भेजते हैं उसमें कोई डेट बेट होती नहीं, उसमें फिक्स डेट होती है, इसमें मतलब डेट फिक्स किया होता है कंप्यूटर में, तो लिखने की ज़रूरत होती नहीं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में ईमेल राइट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में यू हैव टू राइट डेट, आपको पर्टिकुलर डेट लिखना है। मैंने जैसे आपको बताया है यहाँ पे 20th October 2020, लाइक दिस यू हैव टू राइट डेट ऑफ ईमेल, ईमेल की डेट भी लिखना है। देन आफ्टर मेन टॉपिक है सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में जो दिया है क्वेश्चन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट शॉर्ट में बनाना है। आपको मान लो कि आपको लीव की है तो परमिशन फॉर लीव, लीव के लिए परमिशन मांगता हुआ लेटर ईमेल, तो ऐसे आपको जो टाइटल है वो टाइटल भी आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन के हिसाब से ही टाइटल शॉर्ट में ही बनाना है, उसमें ज़्यादा कुछ बड़ा टाइटल होना चाहिए नहीं। तो सब्जेक्ट में खास ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट में ही लिखना। तो अगर इनविटेशन दिया है तो इनविटेशन टू ज्वाइन इन अ क्लीननेस डाइव, इनविटेशन टू ज्वाइन इन बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसे आपको टाइटल शॉर्ट में ही बनाना है। बाद में देखो दोस्तों इतना सारा हो गया टाइटल तक, बाद में है आपका नाम मेन सैल्यूटेशन, तो संबोधन करना है, एड्रेसिंग टू वूम हुई वांट टू राइट ईमेल, हम जिसको ईमेल लिखना चाहते हैं उसको हम संबोधन कैसे करेंगे वो खास ध्यान में रखना है। जब संबोधन करते हैं एड्रेसिंग करते हैं तब ध्यान रखना है आप किसको लिख रहे हो, अगर कोई टीचर को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड टीचर लिखना है, अगर आपके कोई फ्रेंड को लिखना है तो डियर फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, अगर आप कोई ब्रदर या सिस्टर को तो डियर लिख सकते हो, फ्रेंड को लिखते हो तो डियर फ्रेंड, डियर फादर, फादर को लिख रहे हो डियर सिस्टर, अगर सर को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, और मैनेजर को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऐसा भी लिख सकते हो। जो यहाँ पे आप सैल्यूटेशन लिखते हो उसके मुताबिक आपको क्लोजिंग में लिखना है। तो दोस्तों खास ध्यान रखना, सैल्यूटेशन जो लिखे होंगे इसके हिसाब से क्लोजिंग आएगा। तो ये मेन टॉपिक है एड्रेसिंग टू होम वी वांट टू राइट ईमेल, जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं उसको सैल्यूटेशन कैसे करना। ओके, देन आफ्टर 6th point, इसमें दो पार्ट है। ए देखो दोस्तों, ये जो सैल्यूटेशन तक का आपने सही लिखा तो आपको 5 marks के ईमेल का 2 marks तो खाली आपको ये 5 step के 2 marks मिल जाते हैं, 5 step के 5 step के 2 marks, और 2 marks होते हैं आपके ये 6th पॉइंट है सेंटेंसेस ऑफ बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग के, जो हाय हेलो करते हैं आप कैसे हो, आप मज़े में हो, हम भी मज़े में हैं, वो जो हम बिगिनिंग के जो स्टार्टिंग पॉइंट जो सेंटेंसेस बनाते हैं उसके होते हैं 2 marks। बी और ए और बी, बी का है डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपने जो सब्जेक्ट है, अगर आपका इनविटेशन का है तो इनविटेशन के सब्जेक्ट के डिटेल में लिखना है, अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं तो इसके हिसाब से आपको सेंटेंस लिखना है, बट एज पर योर सब्जेक्ट यू हैव टू राइट सेंटेंसेस अबाउट योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक आपको जो सेंटेंस लिखना है तो इसमें आपको मिलेगा 2 marks, 2 marks फॉर सब्जेक्ट। देन आफ्टर क्लोजिंग, क्लोजिंग 7th step इज क्लोजिंग। तो क्लोजिंग क्या है दोस्तों, तो क्लोजिंग में हमने जो सैल्यूटेशन किए है वो सैल्यूटेशन के हिसाब से हमको क्लोजिंग करना है। तो क्लोजिंग में अगर मैंने आपको बताया कि आपने फ्रेंड को लिखता है डियर फ्रेंड, तो आपका क्लोजिंग है योर लविंग फ्रेंड, आपके प्यारा फ्रेंड।
योर लविंगली भी लिख सकते हो। अगर आपने फादर को लिखा डियर फादर तो यहाँ पे क्लोजिंग में आएगा योर लविंग सन। अगर लड़के ने लिखा तो योर लविंग डॉटर। अगर डियर ब्रदर लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे क्लोजिंग में आएगा योर लविंग ब्रदर या लविंग सिस्टर। अगर आपने सर को लिखा है तो रिस्पेक्टेड सर लिखा है तो हम ओबीडियंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट योर ओबीडियंस स्टूडेंट, तो क्लोजिंग आएगा योर ओबीडियंस स्टूडेंट। अगर यहाँ पे हमने मैनेजर सर को लिखा है रिस्पेक्टेड तो हम फेथफुली लिखेंगे योर्स फेथफुली। तो याद रखना जैसा हमने सैल्यूटेशन 5 नंबर में किया है ऐसा क्लोजिंग में 7 नंबर में हमको उसके मुताबिक लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बताया ऐसे ईमेल राइटिंग में हमको ये जो स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। तो दोस्तों हम अगले जो स्टेप मतलब अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा इसमें मैं आपको ईमेल बताऊंगा, अलग अलग सा ईमेल मैं आपको प्रैक्टिस करके करवाऊंगा जिसकी वजह से आपके लिए वो इजी हो जाएगा। और मैं कॉमन सेंटेंसेस भी लिखवाऊंगा कि जो आपको कोई भी प्रकार का एनी काइंड जो ईमेल पूछे जाए एग्जाम में तो आपको जो कॉमन सेंटेंसेस जो यूज़ करना है वो कॉमन सेंटेंसेस मैं लिखवाऊंगा। सो ओके फ्रेंड्स, सो वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक ईमेल राइटिंग इन अवर नेक्स्ट ईयर। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।